Hey guys, what's up everybody? It is boy Sahil back at it again in new video. तो आप सब कैसे हो? तो सब अच्छे हो गए, ठीक है? तो मेरा ये after long time vlog है, ठीक है? बहुत दिन बाद में vlog कर रहा हूँ, क्योंकि घर का लोग बहुत नाराज हो गए थे मेरे ऊपर मैं vlog कर रहा हूँ इसलिए. तो घर के लोगों को मैंने बहुत मनाया, बहुत समझाया, इसके बाद मैंने फिर से आपके पास आ पाया, ठीक है? आप लोगों के पास, आपका ये मेरा यूट्यूब के पास, मेरे कैमरे का पास, ठीक है? उसके बहुत दिन बाद मैंने कैमरे पर आया. कुछ लोग मेरे फैमिली के ऊपर, मेरे पापा को, मेरे मम्मी को भी, ठीक है, सब लोग बोलते थे कि आपका लड़का क्या कर रहा है, व्लॉग्स कर रहा है, खामा का कैमरा में बात कर रहा है, बहुत कुछ बोल रहा था, ठीक है? तो ये बात मेरे मम्मी पापा को बताया कि आपका लड़का क्या करता है, सिर्फ YouTube में बकबक कर रहा है, ये पढ़ा लिखा छोड़कर ये सब कर रहा है, तो ये इसका कैरियर में क्या होगा? तो मेरे मम्मी पापा भी इसलिए मेरे ऊपर बहुत गुस्सा हो गया था, क्योंकि मैं ऐसा कुछ काम ना करूँ जो मेरा फैमिली के ऊपर प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है? इसलिए मैं भी ब्लॉग्स बहुत लेट भी कर दिए थे. तो उसके बाद मेरे मम्मी पापा को मैंने बहुत समझाया, बहुत कोशिश किया, उसके बाद मैंने फिर से सोचा कि फिर से ब्लॉग करा जाए. हारूंगा नहीं, अभी टाइम लगेगा, मैं टाइम दूंगा, ब्लॉग भी करूंगा, ठीक है? अरे बंदा जितना भी चाहे फैमिली का प्रॉब्लम हो, टेंशन हो, हार नहीं मानने का, ठीक है? जब तुम हार जाओगे ना, कुछ भी नहीं कर पाओगे. जब तुम हार के उठोगे तभी तुम सब कुछ कर पाओगे. तो मेरा कहना यह है कि बंदा हारेगा नहीं, चाहे जितना भी प्रॉब्लम हो, ठीक है? तो मैं जैसा किया कि मेरे फैमिली वालों को पता नहीं था मैं ब्लॉग करता हूँ, तो बट क्या बताया आपको, जिस टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड किया था मिलेनियम पर, तो वो वीडियो अपलोड करने के बाद मेरे घर में सबको पता चल गया था मैं ब्लॉग करता हूँ. तो उसके बाद मैंने ब्लॉग सारे डिलीट कर दिए थे, सिर्फ 3 ब्लॉग थे, ठीक है? तो 3 ब्लॉग था और सारे ब्लॉग मैंने डिलीट कर दिया है, सिर्फ इसलिए मम्मी पापा राजी नहीं थे, ठीक है? मम्मी पापा बहुत गुस्सा हो गए थे मेरे ऊपर, तो इसलिए. और मेरा दिल से बहुत दुख होता था कि मैं इतना स्ट्रगल किया, इतना मेहनत किया, उसके बाद मेरा यूट्यूब चैनल में जो वीडियो था वो भी डिलीट करना पड़ा. तो क्या बात है आपको. तो उस टाइम मुझको रोना आ रहा था, क्योंकि मैं उतना मेहनत करके भी कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा वीडियो भी डिलीट हो गया था. बस आपके सपोर्ट की वजह से मेरे दिल के अंदर से जुनून निकला, मैं वीडियो फिर से बनाऊंगा, ठीक है? तो ऐसे ही आपके भाई को सपोर्ट करते रहो, ठीक है? तो मैं फिर से वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ. तो आज मैं यही कहने वाला हूँ कि चाहे जितने भी समस्या हो, जितने भी प्रॉब्लम हो, सब प्रॉब्लम का हल होता है, आपको फैमिली को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है? तो जितने भी न्यू ब्लॉगर है, ठीक है, उतना फैमिली का प्रॉब्लम है, ठीक है? जैसा भी प्रॉब्लम, चाहे जितना भी प्रॉब्लम हो, सब प्रॉब्लम का हल होता है, समझना चाहिए, फैमिली वालों को समझाना चाहिए. और मैं ये कहूँगा कि जितने भी फैमिली वाले हैं, ठीक है, सब सबके बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है? फैमिली का जब तुम्हारा सपोर्ट होगा ना, तब तुम सब कुछ कर पाओगे, और फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा तो कुछ भी नहीं कर पाओगे तुम. तो मेरा जस्ट यही कहना था कि मैं जो पहले से जो गलती करके आया हूँ, वो गलती आप ना करें. आप पहले आपको फैमिली को मैनेज कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि सबका फैमिली एक नहीं होता है, ठीक है? तो इसलिए हम मेरा जैसा भूल आप मत करें, ठीक है? तो अभी तक वीडियो यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा वीडियो तो पूरा चैनल की वीडियो भी बंद हो गया था, ठीक है? तो मैं फिर से वीडियो पर आया हूँ, फिर से मैं ब्लॉग स्टार्ट करने चला हूँ, ठीक है?
तो यही तक वीडियो करा जाएगा है, और नेक्स्ट वीडियो इसके बाद भी आएगा, ठीक है। तो इतना ही वीडियो था, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अरे कमेंट भी कर देना, ठीक है। तो अभी तक यही पर स्टॉप करते हैं, स्टॉप है।